हेलो फ्रेंड राजा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ फिरोजाबाद। देखने हमारे मोहल्ला के लड़की बच्ची है, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ फिरोजाबाद अस्पताल में। तो दिखाऊंगी आप लोगों को पैदल चल चल के, दम निकल गई है। भैंस आवाज मार रही है। मेरा फ्रेंड मक्खनपुर और ये है हमारी दोनों जेठानी। देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा। फ्रेंड फिरोजाबाद का नज़ारा, ये अस्पताल। देखिए हमारा शानदार फिरोजाबाद कितना मस्त दिखाई दे रहा है। वो है जैन मंदिर, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। तो हम लोग अभी खड़े हैं जैन मंदिर के पास। वो देखो गेट दिख रहा है। मंगर बाजार फिरोजाबाद का। तो अस्पताल से हम लौट के आ चुके हैं, क्योंकि अस्पताल में तुम्हें पता है वीडियो बनाना मना है। तो अस्पताल में वीडियो नहीं बना सकते हैं हम, अगर डॉक्टर की इजाज़त हो तो ही बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसलिए सब सर्दियों के कपड़े ज़्यादा मिलेंगे। फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियाँ। देखिए बीच बीच में ऐसे गार्डन सा बना रखा है, पुल के नीचे है। देखिए फ्रेंड तोड़ियाँ हैं, कहाँ जा रही हूँ। 5-5 रुपये मुझे भाई साहब डिब्बी भर भर के दे रहे हैं गरम मसाला, जबकि गरम मसाला इतना तेज है। देखिए देखिए सब मसाले इन्होंने रखे हुए हैं, पूरे मसाले रखे हुए हैं पूरी। तो फ्रेंड मैं आ गई घर पे मंगर बाजार। मतलब आपको वीडियो में तो मैंने बता ही दिया है कि मैं कहाँ पर गई थी, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बना सकती हूँ अस्पताल की, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने मतलब वीडियो बनाने की अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मतलब फोटोग्राफर नहीं हूँ, नहीं इतनी बड़ी मतलब मैं यूट्यूबर हूँ जो मैं इजाज़त ले सकूँ वहाँ पर। तो इसलिए मतलब वैसे भी सही नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, आप भी समझदार हो कि बच्ची परेशान है अभी इस जगह पर, मेरी बच्ची या किसी और की बच्ची, बच्ची तो बच्चे होते हैं, इस वजह से अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो वहाँ से फिर मैं आज बहुत ही गंभीर मेरे साथ दुर्घटना हो गई है। क्या बताएं हम आपको कि हम जब यहाँ से गए तो पहले अस्पताल गए थे, अस्पताल से वापस आ रहे थे, तो हमारे साथ हमारी जेठानी थी दो। तो उन्होंने कहा कि चलो मंगर बाज़ार देखते हुए चलते हैं फिरोजाबाद का कैसा लगता है। तो हम लोग मंगर बाज़ार, क्योंकि वहीं पास में मंगर बाज़ार था, तो वहीं हम पास में मंगर बाज़ार हो लिए तो वहाँ पर हम घूमने लगे। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा भी फिरोजाबाद में हो सकता है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो वो दुर्घटना आज बहुत ही मतलब गंभीर है यार, किसी को ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लेकिन पता नहीं है कैसे आई, क्या हुआ, कैसा इंसान का दिमाग होता है कि क्या इंसान मतलब क्या सोचता है पता ही नहीं चलता। मैं तो
कैसे इंसान कैसे सोच लेता है, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है अपने दिमाग में, और ना ही हम तो मेहनत करके ही खाना चाहते हैं हम तो। हमें फ्री फंड का किसी का नहीं चाहिए, और ना ही मैं ऐसा कभी दिमाग में लाती हूँ कि मुझे किसी की चोरी करूँ या चंगोरी करूँ या किसी की लूट मार करूँ, ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपना मेहनत करना चाहती हूँ, बस अपना मेहनत का ही खाना चाहती हूँ। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, तो आप सोच रहे हो ऐसा क्या हुआ है, तो हुआ तो बहुत कुछ है भाई। वीडियो में बने रहना, हमारी वीडियो जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचाना। और हम बता रहे हैं, जैसे कि हम वहां से आए मंगर बाज़ार में घुसे, तो आप लोगों से देखो बुरा मत मानना, कोई भी या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई भाई होते हैं, ठीक है। कोई भगवान के यहाँ से आते हैं ना, तो एक नर और नारी आते हैं वहाँ से, कोई जात बिरादरी नहीं आती है, नहीं कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना सिख ना ईसाई, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब वो यहाँ पर आके धर्म बनते हैं धरती पे आके, ठीक है, और धरती पे आकर ही बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, कोई भी मेरे भाई मोमडन के हों या हिंदू हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब खून एक ही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम आए उधर से ना, तो हमने मतलब पहले तो सब कुछ देख रहे थे, हमने आपको देखो वीडियो में ही दिखाया है सब कुछ, तो वीडियो में ही देखना आपको, हम मंगर बाज़ार दिखा रहे थे, तो हम मंगर बाज़ार दिखाते दिखाते फिर हमने सोचा इतनी भीड़ है तो शायद कभी कहीं कितने फ़ोन ना लेके कोई चला जाए तो मेरा फ़ोन छूट जाए, तो ऐसे मैंने फ़ोन ना मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मैंने फिर फ़ोन बंद करके रख लिया। लेकिन मेरी जिठानी थी ना, वो मसाला ले रही थी, तो उन्होंने पैसे दिए तो वो वापस किए दुकानदार ने, तो वहाँ पर मेरे पीछे आई एक बुरके पे लेडीज आई, बुरके पे, फिरोजाबाद की बात बता रही हूँ, फिरोजाबाद मंगर बाज़ार की। तो बुरके वाली लेडीज पतली पतली सी थी, अच्छी भी थी, बहन मुझे कहना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन तुमने ना मजबूर कर दिया मैं ऐसा कहने पे। मुझे पता नहीं है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगी, कौन कौन देखेगा कौन कौन नहीं देखेगा, जिसने ऐसा किया वो भी देखेगा कि नहीं देखेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे देखना ही चाहिए, क्योंकि बस इस अभी तो कुछ नहीं है, चलो ऐसा, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है ऐसे। तो आप बता रहे हो कि मैं बात घुमा नहीं रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ। तो पीछे मेरे आके मतलब बहुत सारे लोग थे, भीड़ तो बहुत थी, और उसमें तो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई, और बगल में बिल्कुल मेरा पर्स ऐसे इसमें था, इसमें, तो मैं ना अस्पताल गई थी भाई, इसलिए मैं मतलब पर्स छोटा सा पर्स, उसमें पैसे रख लिए थे मैंने, तो मैंने पर्स इसमें रख लिया था, वैसे तो मैं हाथ डाल के ही रखती थी, लेकिन पर्स इसमें से थोड़ा सा शायद दिख गया होगा, पता नहीं है। तो जैसे ही मेरी जिठानी ने मतलब मसाला लिया वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर उन्होंने मतलब साबुत मसाला लिया, तो साबुत मसाला शायद अच्छा वहाँ पर मिलता होगा, उन्होंने पहले इस्तेमाल किया इसलिए साथ उन्हें अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने वहीं से लिया। तो वहाँ पर मैंने मतलब पैसे लौटा रहे ना, तो वो मतलब गिर नहीं थी, तो मैं देखूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ, तो मैं ना मतलब थोड़ी सी मैं ऐसे करके झुक गई, तो बस मेरे झुकने पर ही जो मोमडन की लेडीज खड़ी थी ना, बुरका तो उसका बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे ने काम बहुत गंदा किया है, मोमडन लोग हों या हिंदू लोग हों कोई भी हो, लेकिन ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। तुमने ना फिरोजाबाद की छवि ख़राब की है, पता है आप कोई भी पता नहीं होगा कि ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगी, कौन कौन देखेगा कौन कौन नहीं देखेगा, ठीक है। तो उसमें ना मैंने जैसे ही मैं झुकी ना, वैसे ही उसने खट सीधे मेरे इसमें जेब में से पर्स निकाल ली जैसे ही मैं झुकी, मतलब झुक के मैं वैसे ही खड़ी रहेगी, जैसे मैंने फिर जेब में हाथ डाला, मैंने कहा तुरंत मेरा पर्स नहीं है, मेरा पर्स ने किसी ने निकाल लिया। जैसे ही वो लेडीज ना तुरंत वहाँ से, वैसे वो चाउमीन मसाला ले रही थी फ्रेंड, लेकिन उसने चाउमीन मसाला नहीं, जैसे ही मैंने कहा मेरा पर्स ले लिया किसी ने, जैसे वो वहाँ से लफू चक्कू हो गई। लेकिन मैंने उसका पीछा क्यों नहीं किया पता है, क्यों नहीं किया उसका पीछा, मैं दुखी नहीं हूँ फ्रेंड, क्यों नहीं दुखी बताऊँ, मैं तो गरीब हूँ वैसे भी, इससे ज़्यादा तो मैं गरीब हो नहीं सकती, लेकिन तुमने ना
अपनी छवि खराब कर ली है। मैं चाहती तो मैं पकड़ भी सकती थी, पता है, लेकिन मैं क्यों नहीं पकड़ा वो भी आप नहीं समझ पाओगी, क्यों नहीं पकड़ा तुम्हें, मैंने पैसे ले रही मेरे, कोई बात नहीं चलो ले जाओ, शायद तुम्हारे ही नसीब के वो होंगे, लेकिन मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे। मेरे पति मजूरी करते हैं, मेरे पति बहुत मेहनत का काम करते हैं, ठीक है, तो चलो ले गई, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी दोबारा ऐसा मत करना, मेरी जैसे मेरे मतलब जैसे मेरे दिल में ना ऐसे हर एक इंसान के दिल में नहीं होता है, और जैसे मैं सोचती हूँ ना ऐसे कोई नहीं सोचेगा, पकड़ के ना तुम्हारी मुंडी है ना घुमा देगा मुर्गे की तरह, जैसे तुम लोग ना मुर्गा मछली और वो बड़े बड़े ये भैंसा भैंसा खाते हो ना, ऐसे ही तुम्हें खा जाएगा कोई नोच के, किसी दिन किसी लड़के के पल्ले पड़ गई ना तो खा जाएगा नोच के। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ना तुमने ऐसे कहने पे मैं मजबूर किया है, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, जिक्र में तुमने ऐसा किया ही है, तुम क्या कर सकते हैं, ना बोले तो क्या करें हम, तुम्हें ऐसा करना चाहिए हैं, तुमने ना मोमडनों की छवि खराब कर दी, तुम्हें ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या थोड़े उसमें कितने पैसे थे, बस कुल कितने पैसे होंगे, 100, 200, 500, 1000, उससे ज़िंदगी कट जाएगी तुम्हारी, लेकिन ना तुमने वैसे बड़ा नाम लेते हो अल्लाह अल्लाह। हाँ मैं मानती हूँ सब लोग बुरा मत मानना भाइयों, क्यों कि मैं सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन छवि खराब होती है, ठीक है। वहाँ पर मैं अभी ये कहती मैंने कि ये बुरके वाली लेडीज ले गई मेरे पैसे, और उसे मैं पकड़ना चाहती तो तुरंत पकड़ती एक मिनट में, वो अगर वो चोर नहीं थी तो वो भागी क्यों, वहाँ पर हिंदू की लेडीज और खड़ी थी वो क्यों नहीं भागी, और वहाँ पर हिंदू के आदमी भी खड़े थे वो क्यों नहीं भागे, यही क्यों भागी भाई, यदि मैंने जैसे ही पर्स का नाम लिया वैसे ही वहाँ से रफू चक हो गई, इसकी छवि भी नहीं मिली वहाँ पर, कहाँ गायब हो गई तुरंत से, तो यही करने के लिए पैदा हुई वो, यही करने के लिए गई जाती हूँ मंगर बाजार में कि हम चोरी करेंगे चंगोरी करेंगे, यही तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, मात्र चंद रुपयों के लिए मतलब ऐसा तुम करती हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें, मेहनत करके खाओ, मेहनत खाओ, किसी का चोरी नहीं, किसी की भी कोई भी चीज़ हो, किसी की भी चीज़ हो चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे नहीं चोरी करनी चाहिए, और ना ही किसी के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि हमें मिल जाए फ्री फंड का तो चलो हम इसका मतलब मजे कर लें, तुम्हें क्या पता था मैं किस स्थिति में गई थी हैं, कि मेरे पास पैसे थे या नहीं थे, और तुमने तो चोरी कर ली। अगर भाइयों बहनों बताओ मुझे XYZ मेरे साथ मेरी जेठानी नहीं होती तो आज मेरा क्या होता, मैं कैसे घर आ पाती, ये कभी सोचा है, तुमने तो चोरी कर ली, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कभी कि अगर मेरे साथ ये दो लोग नहीं होते तो मैं भीख मांगती वहाँ पर, तब मैं आ पाती घर पे अपने, या तो फिर मैं घर से किसी के लिए फ़ोन करती, वो तो शुक्र मनाओ जो फ़ोन मेरे हाथ में था, वरना वो तो फ़ोन ही भी निकाल ले जाती, कोई भरोसा नहीं है इस मोमडन लेडीज का, जा तेरा अल्लाह, तू अल्लाह को मानती है ना, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखता है, हम लोग मानते हैं भगवान एक ही है, ठीक है, लेकिन भाषाओं में फ़र्क होता है बस, भगवान वही तुम्हारे हैं वही हमारे हैं, भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाषाओं में हमारी भाषाओं में फ़र्क है बस, इतना है और कुछ नहीं है, लेकिन ना तुमने जो किया ना आज बहुत ही गलत काम किया है, तो अगर मेरे मुँह से कोई भी गलती अगर निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा करना भाइयों बहनों, लेकिन मेरी ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके देख लो, फिरोजाबाद में मोमडनों ने क्या, मोमडन की ये लेडीज ने क्या जुल्म किया है, जहाँ तक हो सके जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, वो जितना हो सके उतना मेरी वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, तो अगर पता है मैं कभी ऐसा किसी के बारे में फ्रेंड नहीं सोचती किसी के बारे में, मुझे ना बहुत ही दर्द होता है, मैं मतलब मैं अगर मेरे सामने ऐसा कोई बंदा आ जाए ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाती हूँ, नहीं कभी ऐसा सोच पाती हूँ जैसे ये लोग सोच लेती हैं, पता नहीं कैसे सोच लेती हैं, किस मिट्टी के बनाए हुए हैं ये लोग, कितने भी पैसे हों हमारे उसमें बेशक 10 रुपये 5 रुपये या 20 रुपये हों, थे तो हमारे पैसे ही, लेकिन ऐसा तो मैं करना नहीं चाहिए, आज सोच लो
अगर मेरे साथ नहीं होता कोई तो मैं क्या करती, कैसे घर पे आती, कोई मुझे पैसे देता देता बताओ। ये कहता है अच्छी तो आटी अट्टी कट्टी घूम रही है, कपड़े भी अच्छे हैं और मांग भी कर रही है, कौन देता मुझे। तो बताना फ्रेंड कमेंट में मेरी वीडियो किस किस को अच्छी लगी है। और ये मेरी घटना रियल में है, मजाक नहीं कर रही हूँ, मम्मी की कसम खा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, ये घटना मेरी सच्ची की है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई खिलवाड़ कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, तो फ्रेंड हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जितनी ज़्यादा हो सके ना मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं और बोलोगे, जितनी हो सके उतनी शेयर करो वीडियो मेरी, तो सबको पता था चलना चाहिए। पर्स ले गई वो, उसे के लिए पर्स भी नहीं था उसके घर में पैसे रखने के लिए, और पैसे कितने थे मात्र उसमें पता है आपको, चोरी तो चोरी होती है, चाहे उसमें 1 रुपया होता, चोरी तो चोरी होती है, आपको भी पता है।